सबों को जय जिसु। हम सभी ने बचपन में अपने माता पिता या दादा दादियों से बहुत कहानियां सुने होंगे। मैं याद करता हूँ, मैं भी बचपन में मेरे माता पिता, मेरे पड़ोसियों से बहुत कहानी सुने हैं। कुछ कुछ कहानी ऐसे हैं जो आज तक याद रखता हूँ, आज तक दिमाग में तरोताजा है। उस कहानियों में से कौवे और सियार की कहानी, लोमड़ी और शेर की कहानी, हाथी और चींटियों की कहानी, ये जो कहानी थे ये सब बहुत रुचि थे, रुचिकर थे। ये सब कहानी तो सुना था, वो बहुत रुचिकर था। प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के सुसमाचार में अपने श्रोताओं को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी बहुत रुचिकर तो नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रद जरूर है। अपने कहानी के माध्यम से प्रभु यीशु ख्रीस्त सभी श्रोताओं को एक संदेश देते हैं। कहानी इस प्रकार है, एक परिवार में दो पुत्र थे। अगर प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के जमाने में ये कहानी सुनाते तो कहते, एक परिवार में दो पुत्रियां थी। कहे कि आजकल के समाज में बहुत परिवार में पुत्रियां बहुत देखने को मिलती हैं। एक बार ऐसे हुआ, इस परिवार में ऐसे हुआ कि पिताजी को दो काम एक ही बार करना था, लेकिन वह अकेले नहीं कर सकता था। एक था घर के अंदर और एक था घर के बाहर। एक था घर का काम और दूसरा ऑफिस का काम। पिताजी ने ऑफिस का काम करने निकल पड़े। निकलने से पहले उन्होंने परिवार का काम पहला पुत्र को सौंप दिया। उसने कहा, पुत्र जाके तुम खेत में काम करो। पुत्र ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए उस पिताजी ने जाकर दूसरे पुत्र से कहा, पुत्र जाकर खेत में काम करो। पुत्र ने उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मैं जाके काम करूँगा, लेकिन वह नहीं किया। बाद में ऐसे हुआ कि पहला पुत्र जिसने अस्वीकार कर दिया था उसको पश्चाताप हुआ। उनको याद आया कि जो काम पिताजी ने उसे दिया था वह बहुत जरूरी था, इसलिए उसने जाके काम किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने श्रोताओं को कहते हैं, पूछते हैं, दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र पिताजी का आज्ञा पालन किया। श्रोतागण कहते हैं, पहला पुत्र ने। तब यीशु ख्रीस्त उनको समझाते हैं, आप लोगों का उत्तर सही है। आज्ञा पालन वचनों से नहीं लेकिन कर्मों से होना चाहिए। पहला पुत्र वचनों से तो अस्वीकार कर दिया, लेकिन कर्मों से उसे पूरा किया। तब यीशु ख्रीस्त इसी सीख को, इसी उदाहरण को अपने श्रोताओं पर प्रयोग करते हैं। कहते हैं, आप लोग फारिसी लोग, साधुसी लोग, तुम सभी दूसरे पुत्र के समान हो। तुम लोग वचनों से हाँ तो कहते हो, लेकिन कर्मों से उसे पूरा नहीं करते। ये जो ढोंग भावना है वो नबी एज़ेकियल के टाइम में भी था। उस टाइम में लोग कहते थे कि ईश्वर का मार्ग सही नहीं है, हम लोगों का मार्ग सही है। तब उन्हें नबी एज़ेकियल समझाते हैं कि तुम लोगों का मार्ग सही नहीं है, ईश्वर का मार्ग सही है। तुम लोग सब मन फिराव करो और ईश्वर के रास्ते में लौट जाओ। जब हम पहला पाठ और सुसमाचार पर थोड़ा अधिक मनन करेंगे तो हम एक ही शीर्षक पाते हैं, एक ही विषय पाते हैं, वो है मन फिराव। जब हम मन फिराव की बात करते हैं तो हमें बाइबल में बहुत बहुत रुचिकर उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब मैं मन फिराव का बात करता हूँ तो मुझे याद आता है नबी योना। नबी योना को निनिवे में पश्चाताप करने का सुसमाचार सुनाना था। नबी योना ने निनिवे ना जाकर उससे बचना चाहता था, दूसरे ओर भाग जाना चाहता था। वो भाग ही रहा था, नाव में था कि उस
नाव में संकट आ गई और योना नबी को नाव से बाहर फेंक देना पड़ा। 3 दिन और 3 रात जब वह मछली के पेट में था तब उसे पश्चाताप हुआ, तब उसे मन फिराव करने का मौका आया। तब उसने नीनीवे जाकर ईश्वर का संदेश सुनाया और नीनीवे के सभी निवासी मन फिराव करके ईश्वर के ओर लौट गए। यीशु के शिष्य पेत्रुस ने ईश्वर को 3 बार अस्वीकार कर दिया था। यीशु के शिष्य पेत्रुस ने मन फिराव किया और वह एक बहुत अच्छा, बहुत गहरा प्रभु यीशु ख्रीस्त का साक्षी बन गया। जब हम और कुछ देखते हैं तो मुझे याद आता है संत पौलुस, जो पहले साउल कहलाता था, क्रिश्चियन का विरोधी था, वह ईश्वर से मिलके मन परिवर्तन किया और मन परिवर्तन करने के बाद ईश्वर का संदेश को बहुत लोगों तक पहुंचाया, बहुत चिट्ठियों द्वारा, सुसमाचार द्वारा। संत पौलुस ने अपने दर्शन और काम से बहुत लोगों का दिल ईश्वर के लिए जीत लिया। आज के सभी पाठों को हम जिक्र करते हैं तो हम पाते हैं कि मन फिराव करना हम सबों के लिए बहुत जरूरी है। मन फिराव में सबसे प्रथम आता है कि हम ईश्वर की वाणी को अच्छी तरह सुने, उस पर मनन चिंतन करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। बातों से केवल हाँ करने से नहीं होता है, लेकिन उसे कर्मों से पूरा करना है। हम सबों को बहुत अच्छी सीख मिली है कि नबी योना के मन फिराव द्वारा, संत पेत्रुस के मन फिराव द्वारा, पौलुस के मन फिराव द्वारा, इन 3 उदाहरण जो आज हमें मिला, मन फिराव का बहुत अच्छा उदाहरण है। हम सभी को न्योता मिलता है इनके द्वारा कि हम मन फिराव करें और ईश्वर के ओर लौट जाएं। इस कोरोना घड़ी में हम सबों के लिए मन फिराव करके अपने आप को मजबूत रखना है, हमारे परिवार को संभालना है और हमारे समाज को संभालना है। ईश्वर की प्रेम और कृपा आप सबों तक बनी रहे। सबों को जय यीशु मसीह।